हेलो फूडी पीपल एंड वेलकम बैक टू स्पंकी सिस्टर्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इजी और फटाफट बनने वाली रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि है साबूदाने के पापड़। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए बढ़िया सी रेसिपीज लेकर आ सकें। आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि अब जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट इस क्विक रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाना पापड़ बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले एक 500 ग्राम का पैकेट है साबूदाने का, उसको लेंगे। यहाँ हमने इन साबूदानों को एक बाउल में लेके अच्छे से धो लिया है। अब इन साबूदानों को हम एक बड़े बर्तन में खाली कर जितना क्वांटिटी हमने साबूदाने के लिए उसके डबल पानी में भिगो कर हम पूरी रात के लिए रख देंगे। रात भर भिगोने के बाद अब हम इसे गैस पर चढ़ाकर पकाएंगे। हम एक चम्मच जीरा डालेंगे और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक और ज़ीरा डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। अब हमारा ये साबूदाना बनके तैयार हो चुका है। आपको इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। तो ये अब रेडी हो चुका है और अब हम इसे छत पर जाके फैला देंगे सूखने के लिए। बैटर तैयार होने के बाद हम छत पर ले जाकर इसके इस तरीके से पापड़ तैयार करेंगे। इसे आप प्लेट्स पर भी सुखा सकते हैं या फिर प्लास्टिक की शीट्स पर भी सुखा सकते हैं। इसे सूखने में कम से कम एक दिन लगता है। अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बनाकर इंजॉय कीजिएगा। सूखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पापड़ इस तरीके से रेडी हो गए हैं। तो अब मैं तल के बताती हूँ ये किस तरीके से बने हैं। तलने के बाद हमारे पापड़ बनके रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि तलने के बाद ये डबल हो जाते हैं क्वांटिटी में, अपनी साइज़ में, और ये बहुत ही अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने क्रंची और अच्छे से बन के रेडी हुए हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीनवाइल आप सब अपना ध्यान रखिएगा, इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और हम स्पंकी सिस्टर्स दोबारा आपके पास एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।